सर, ये इस लैब में आपको क्या फैसिलिटी होगी? और इसमें आर्टिफिशियल क्वींस, हाइब्रिड क्वींस जो है, मोर प्रोडक्टिव क्वीन जो इसकी मलका होती है वो बनाने का, और बीमारियों का मॉलिक्यूलर जो रिसर्च है और उसकी फैसिलिटी जो है वो डेवलप हुई है। और जो टर्किश मॉडर्न हाइव्स है, जो हमारे बी कीपर है, और ट्रेडिशनल अफगानी हाइव इसका है, जो उसमें बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, शायद कम पैदा होता है, और स्टैंडर्ड बी कीपिंग है। जो मॉडर्न बी कीपिंग है वो जैसे टर्की में इन डब्बों से वो 70 kg तक एवरेज वो ले रहे हैं, तो हम अगर ये डब्बे यूज़ करेंगे, हमारा बी कीपर करेगा, तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। इसमें क्योंकि स्पेस है, रेशन ज़्यादा है, वेंटिलेटेड हैं, और इसमें ज़्यादा जो है ना मक्खियाँ मरती हैं, तो इसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और हम इसको पाकिस्तान में अभी फील्ड डे इंशाल्लाह बी कीपरों के करा रहे हैं। अभी मारगला पे हम मार्च में इसका फील्ड डे करवाएंगे ट्रेल 4 के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह जो है बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, इसमें हमें ये तमाम गैजेट्स और हमारे जो स्टाफ की जो किट्स हैं वो तमाम जो है ना इन्होंने प्रोवाइड की हैं। और ये तमाम फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं, ये सिंपल रूम थे, हमारा स्टोर थे, ये सारा इन्होंने डेवलप करके दिए। ये एक साइड ये है, एक साइड ये भी है, ये दोनों साइड हैं। अच्छा खालिद भाई, इससे पहले आप जो है ना यहाँ पे शहद का ऑलरेडी प्लांटेशन हो रही थी, तो इससे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा और टेक्नोलॉजी कितनी? पहले जो थी हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी से हम कर रहे थे, अब ये नई टेक्नोलॉजी से नई रिसर्च लेके आ रहे हैं। टर्किश जो है उसके मॉडल पे हम जो है ना वो रिसर्च लेके आ रहे हैं। और तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो फैसिलिटीज थी पहले, मतलब कोई बी कीपर आता था, मक्खियाँ लेके आता था, बीमारियों का पता नहीं चलता था, तो अब हमारे पास ये मॉलिक्यूलर का सारा इक्विपमेंट है, मशीनरी है, हम उसको सैंपल को एनालिसिस करके डायग्नोस करके उसको बता सकते हैं कि आपकी मशीनों क्या इशू है, ठीक है, और उसको फिर रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और इसी तरह आप रैंडम जो हम सर्वे कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, उसकी मक्खियाँ ला के कि हमारे मुल्क की मक्खियों में बीमारियाँ हैं कौन सी, ताकि हम उसके मुताबिक रिसर्च करके सोल्यूशन दे सकें बी कीपर्स को। अच्छा ये बताएं कि जो मुल्क में इस टाइम शहद का प्रोडक्शन है, इसको बढ़ाने के लिए और काश्तकारों को इस जानिब रागिब करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, और उसके लिए ये किसानों को कितना फ़ायदेमंद होगा? इसमें हम एक तो ये जो टर्किश हाई में फ्री ऑफ कॉस्ट भी बी कीपरों को दे रहे हैं, फिर ट्रेनिंग्स हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में, हमने ट्रेनिंग इसमें प्लान की हुई है, जैसे कुहाट, पेशावर, गुजरात, झेलम, चकवाल, मुल्तान, मुख्तलिफ एरिया में जहाँ भी कीपिंग होती है उन एरिया में, इस्लामाबाद में भी है, और उसी जो जिनको ट्रेनिंग देंगे उनको साथ हाइव भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, क्योंकि हमारे पीएम ने जो इनिशिएटिव लिया है अभी हनी ट्री का, जो उसी के अंदर जो है हम इन ट्रेनिंग को कंडक्ट करा रहे हैं, ताकि जो स्किल्ड मैन पावर है, जो स्किल्ड बी कीपर है, जो मॉडर्न बी कीपिंग कर रहे हैं, ज़्यादा शहर कर रहे हैं, जिससे जो है लाइवलीहुड इम्प्रूव होगी और हमारी हनी की प्रोडक्शन बढ़ेगी इंशाल्लाह। और दूसरे हम सर्विसेज क्या दे रहे हैं यहाँ पे, क्वालिटी क्वीन प्रोडक्शन, जो क्वीन मलका अच्छी होगी तो आपकी कलोनी ज़्यादा होगी, बच्चे ज़्यादा होंगे, तो मक्खियाँ ज़्यादा होंगी, तो ज़्यादा शहद कुठा रहेंगे, वो शहद की क्वालिटी की टेस्टिंग हम फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बी कीपरों को, हनी ट्रेडर को, एक्सपोर्टर्स को, वो हमसे सर्टिफिकेट लेके पूरी दुनिया में शहद भेजते हैं, और उस सर्टिफिकेट के तहत वो किसी भी मुल्क में अपना शहद भेजते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी सारी टर्की से है, जैसे टर्की शाइब है, ठीक है, टेक्नोलॉजी सारी ये टर्कीज की है, ठीक है, वो हम लेके आए हैं, मक्खियाँ वहाँ से नहीं लाए, मक्खियों में क्योंकि क्वारंटाइन इशू है, या ऑलरेडी हमारे पास इम्पोर्टेड जो है एपस मेलिफेरा, जो ब्लैकी मक्खी है हमारी, यूरोपियन बीज जिसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से 1976 में हम लेके आए थे, उसी को मल्टीप्लाई करके हम उसी को चलाए, और मुल्कों से ला के हम अपनी ब्रीड को ख़राब नहीं कर सकते, तो हम इसी को अपने इसको आगे लेके चल रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए इसको बढ़ा रहे हैं। कीपिंग में जो बंदा आना चाहता है उसके लिए दो तरीके का आ रहे हैं, या तो वो शहद की मक्खियाँ पाल ले, या वो शहद का काम कर ले, ठीक है, या हनी ट्रेडिंग कर सकता है, हनी को लेके मार्केट से लेके आप अपनी पैकिंग ब्रांडिंग बना के अपनी लेबल करके सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा शहद की मक्खियाँ पाल ले, पहले वो ट्रेनिंग ले हमसे शहद की मक्खियाँ पालने की, उसकी समर विंटर और स्प्रिंग मैनेजमेंट है पूरी सीखी अच्छी तरह, 15 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, फिर वो इस काबिल होगा कि वो, फिर हम उसको 3-4 लेवल बताते हैं कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल जो है 50 hive, 100 hive और 150 hive से वो कैसे जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उस पर 50 पे कितना खर्चा होगा, एनुअल कितनी इनकम होती है। तो 50 hive से हम कहते हैं जो कमर्शियल जो प्रोडक्शन है वो 100 डब्बों से स्टार्ट होती है, तो आप 100 डब्बे कम से कम बना ले, 100 boxes मक्खियों के डब्बे रखे, उसके बाद जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन है, जिससे उसकी 4-5 lakh एनुअल इनकम हो सकती है,
और उसके बाद पहले साल उसके बाद वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। तो ये 100 डब्बों का खर्चा तकरीबन 100 डब्बों का खर्चा जो है तकरीबन 10 लाख रुपये खर्चा है पहले साल। तो अगले साल उसने मक्खियाँ नहीं खरीदनी, हर साल वो मक्खियाँ उसकी एडअप होती रहेंगी और वो उसकी बचत होती रहेगी। प्रॉफिट मतलब है। हाँ जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया।